हवा गिर तो माल ढुकिया क्या ढुके हवा बैसे टन फुदे तो ये तो फूद कमे देव खत्म कर दिन गलत थी लड़ी ना गला आए ना जो दरकार तक आए ना जो थे लागे ना तक आए दीदी दीदी চোখের লেগে এত ভালো कथा मैं वीडियो कथा भी अभी फैन इसको यहाँ में अंदर में घुसा के कुछ हला करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको इसको थोड़ा ऊपर में उठाइए, इसको थोड़ा फुलाने पड़ेगा। उसके बाद में घुसेगा अंदर में। इसके लिए आपको इसको आपको उगड़ा करना चाहिए। देखिए मैंने अभी आपको इसको झलाई करना है।
उसको आने की स्ट्रिप को लगाना है ऊपर से। देखिए फिर मेरा झाला है बड़ा हुआ का नहीं हुआ। देखिए फिर झाला बराबर हो गया मेरा। अभी आपको फिर इसको भी फाइल का मदद से कंप्यूटर के अंदर में जाएगा कंडेंसर फाइल से रख लीजिए। मुझे कंप्यूटर को झलाई करना है कूलिंग पाइप और कंडेंसर पाइप लगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है कंडेंसर पाइप को लगा देना है। अब देखते रहिए किसे लगाना है। देखिए फैन कंडेंसर मैंने कंप्रेसर का एक माथे में डाल दिया। अभी मुझे उसको झलाई करना है। हमेशा आप जब उसको झलाई करें तो हमेशा आपको क्या करना है गार्ड लगाना है। गार्ड लगाने से क्या झलाई अच्छा होता है और आपका गर्म अब तो दूसरे में नहीं गिरता है। ऐसे हमेशा आपको जब कंप्रेसर को झाला करना है तो आपको गार्ड लगाना ही चाहिए। गार्ड आपका सेफ्टी है। देखिए फिर मैंने गार्ड लगा रहा है। मुझे झाला करना है। मुझे झाला करना है। मुझे आपको दोनों में बराबर हिट लगाना है।
अभी मुझे चेक करना है। मेरा वार्निंग अच्छे से लगा हुआ है, अभी मुझे कूलिंग कॉइल को भी इसी तरफ में खड़ा करना है। अभी मुझे कूलिंग पाइप को कंप्रेसर का पाइप में जोड़ने के लिए सबसे पहले इसको कंप्रेसर का पाइप का माथे में इसको घुसाना है। पाइप को देखे कैसे घुसाता है, ध्यान से देखना आपको। ये तो मेन धरा है, अभी मुझे कूलिंग पाइप को झलाई करना है। इसके लिए मुझे स्वागा जो वो नहीं चाहिए इसके लिए। भी झलाई हो गया, आई चेक कर लेते हैं। देखिए मेरा कूलिंग पाइप भी झलाई हो गया अच्छे से। अब मुझे डायर लगा देना है, फिल्टर को इसमें लगा देना है। देखिए फिर मैंने कंप्रेसर में दो पाइप लगा दिया, कूलिंग पाइप कंडेंसर पाइप, और जो ये वाला पाइप में मुझे फिल्टर लगाना है, मैंने इसको क्या घस दिया। अभी मुझे क्या करना है, इसमें सबसे पहले पाइप थोड़ा कॉपर का पाइप इसमें थोड़ा लगा के झाला करना है, उसके बाद में इसमें फिल्टर लगाना है। आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कैसे क्या करना चाहिए। इसको झाला करने का सुविधा है।
वाला पैक को लगाना है, इसको बोलता है पिंगल। इसमें गैस ज़्यादा होने से आपको एडजस्ट करना पड़ेंगे आपको। देखिए बहन, अभी मुझे फिल्टर को अभी झलाई करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करो, कमेंट करके आपको कैसा लगा है वीडियो में। अगर आपका किसी में बड़े में कुछ जानना है तो मेरा नंबर कॉल करिए, मेरा नंबर 7086822790, इसमें मेरा व्हाट्सअप भी है, कॉल भी है। आपका डीपीएस का ए टू जेड का प्रॉब्लम मुझे समय में बताए, मैं आपको जरूर बताऊँगा। देखिए फ्रेंड, भलाई सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जो बीच में जो फूट रहा था उसको गैप को आपको वायरिंग करा के उसको भर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे आपको लीकेज मारता है थोड़ा सा। देखिए फैन में झाला है हुआ, अभी मुझे कैपिलरी को यहाँ में यहाँ को जोड़ के भेकम करना है। अभी फैन मुझे क्या करना है, कैपिलरी को और आपका कूलिंग पाइप को वॉलिंग करना है। अभी मुझे कैपिलरी जो है उसको भी झला करना है। अभी मुझे फिल्टर को और कैपिलरी को जोड़ना है। फिर मेरा वैक्यूम कंप्लीट होगा, अभी उस माथा को इसको अभी बंद करना है।
देखिए फिर मैंने कंप्रेसर के ऑन कर दिया और फिल्टर का एक साइड मैंने इसको झलाई कर दिया। अभी मुझे गैस देना है। अभी मेरा फ्रिज बंद है। अगर मुझे इस फ्रिज में गैस देना है सबसे पहले पो अगर आप वन थर्टी फोर गैस यूज़ कर रहे हो तो आपको सबसे पहले कंपनी का जो गैस रहता है 134 वाला वो सबसे बढ़िया है। इसको यूज़ करके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अभी मुझे जब गैस जाना हो तो ऐसा कर गैस मत डाले हमेशा ऐसा कर गैस करिए। अभी मेरा कंप्रेसर बंद है, मुझे गैस डालना है। देखिए फिर मैंने गैस जा रहा है कंप्रेसर के अंदर में। अभी आपको और गैस देना नहीं, और तब दे बंद कर दीजिए। देखिए फिर मैंने अभी सेट को कर दिया है ना। अभी सेट मेरे चालू हो गए। अभी चलने दीजिए, इसके बाद में मुझे कूलिंग को चेक करना है। देखिए फिर मेरा कूलिंग अनस्टॉल हो गया। अभी कूलिंग मेरा आ रहा है।